तो दोस्तों फाइनली यहां पर ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर जिस बड़ी न्यूज का आपको इंतजार था, जिस बड़ी अपडेट्स का इंतजार था, वो न्यूज यहां पर निकलकर आ चुकी है, जिससे ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर आज के दिन आपको 5% तक का अपर सर्किट भी देखने को मिल चुका है और साथ ही साथ में 8 करोड़ शेयर्स यहां पर खत्म हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर लगभग 16 करोड़ शेयरों की खरीदारी हो चुकी है। तो क्या बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है, क्या सरकार की तरफ से यहां पर टेक्स बिजनेस को लेकर अपडेट्स निकल कर आई है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अडानी पावर के अंदर ऑपरेटर का बहुत ही गंदा खेल चल रहा है। जी हां दोस्तों, आज के दिन भी आपको जो ये इतनी बड़ी 5% तक की गिरावट देखने को मिली, इसके पीछे ऑपरेटर का बहुत गंदा खेल चल रहा है और यहां पर अडानी पावर के लिए अब सोमवार का दिन बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं और किन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से 3 बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आई है। जी हां दोस्तों, जिसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने आज अपने ऑल टाइम हाई को भी अचीव कर लिया है और साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15 लाख करोड़ के मार्क को भी यहां पर क्रॉस कर गया है। साथ ही साथ यहां पर एक कंपनी आपको 1:2 के रेशो का स्प्लिट दे रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वन बाय वन सभी शेयर्स के बारे में डिटेल में। सबसे पहले ट्राइडेंट के बारे में बात करेंगे। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। तो ट्राइडेंट के अंदर आज आपको 5% का अपर सर्किट तो देखने को मिल ही चुका है। साथ ही साथ अगर आप इसके रिटर्न ऑफ परसेंटेज की बात करेंगे तो पिछले 1 साल के अंदर इस शेयर्स ने अपने शेयर होल्डर्स को लगभग 267% तक के मल्टीबेगर रिटर्न्स बनाकर दे चुकी है यह कंपनी। साथ ही साथ सीएनबीसी टीवी 18 की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, टेक्सटाइल बिजनेस को लेकर यहां पर जो पीएलआई स्कीम आने वाली थी अब वो फाइनलाइजेशन पर पहुंच गई है, अप्रूवल बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, कॉमर्स मिनिस्टर सेज मेगा टेक्सटाइल पार्क्स स्कीम एंड पीएलआई स्कीम विल बी अप्रूव्ड सून। स्कीम फॉर 7 टेक्सटाइल पार्क्स इन एडवांस स्टेज ऑफ अप्रूवल। तो आप देख सकते हैं यहां पर रिसेंटली ये ट्वीट निकल कर आया है सीएनबीसी टीवी 18 की तरफ से, जिसमें यहां पर जो 7 टेक्सटाइल स्कीम है जिसमें ट्राइडेंट लिमिटेड को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और जो ट्राइडेंट लिमिटेड का विज़न है जो कि 2025-26 तक जो इनका रेवेन्यू है वो लगभग आपको 2 गुना तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली यही टाइम है ट्राइडेंट को पिक करने का और ट्राइडेंट के अंदर खरीदारी करने का। ट्राइडेंट लिमिटेड फंडामेंटली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर से और कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पर अपने डेब्ट को रिड्यूस कर रही है। साथ ही साथ ट्राइडेंट के अंदर आज के दिन हमें ऑल टाइम हाई भी अचीव होते हुए देखने को मिल चुका है। अगर एनालिस्ट की माने तो एनालिस्ट भी शेयर्स को लेकर काफी बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि ट्राइडेंट लिमिटेड का जो RSI लेवल है अब वो कहीं ना कहीं हमें ओवरबॉट जोन में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस कारण से शॉर्ट टर्म में यहां पर करेक्शंस आना पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म पर्पज से खरीदारी करी है तो आने वाले सालों में PLI स्कीम का बेनिफिट ट्राइडेंट को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, जिस कारण से यहाँ पर 2 लाख करोड़ रुपए का जो यहाँ पर सरकार की तरफ से बेनिफिट्स दिया गया है उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट आपको ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ट्राइडेंट के अंदर वॉल्यूम बेस्ड काम भी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हाइएस्ट चल रहा है। तो यदि आपने ट्राइडेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अपनी पोजीशंस को यहां पर बनाए रखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट शेयर्स की तरफ, जिसका नाम है अडानी पावर लिमिटेड। अडानी पावर लिमिटेड के अंदर आज के दिन आपको 5% का लोअर सर्किट यहां पर देखने को मिल चुका है। साथ ही साथ जब अडानी पावर का शेयर 73 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने आपके लिए एक वीडियो कवर करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अडानी पावर का शेयर्स के अंदर यानी कि अगर कैंडलस्टिक चार्ट्स को एनालिसिस करें तो चार्ट में एक बड़ा रिवर्सल यहां पर बन रहा है, जिसके कारण अब आपको इसके अंदर डेली बेसिस पर अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल सकते हैं और ऐसा ही कुछ पिछले 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आज अचानक से अडानी पावर के अंदर लोअर सर्किट आपको देखने को मिल गया। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता कि ये सिर्फ ऑपरेटर का खेल है, यहां पर कोई ऐसी हिडन न्यूज निकल कर नहीं आई है जिसके कारण अडानी पावर के शेयर्स की यहां पर गिरावट बनती है। अडानी पावर का शेयर्स फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, जिस कारण से यहां पर अगर आपने पोजीशंस बनाए रखी है तो डेफिनेटली आप यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रख सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद में। अगर वॉल्यूम बेस्ड काम की बात करें तो अडानी पावर के अंदर लोअर सर्किट लगने के बावजूद आज के दिन पिछले 1 महीने में सबसे ज्यादा वॉल्यूम बेस्ड काम हमें देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 1 करोड़ क्वांटिटी यहां पर ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल रही है।
साथ ही साथ अगर हम अडानी पावर शेयर्स के अगर कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में भी बात करें तो अडानी पावर शेयर्स के अंदर अब मंडे का दिन का लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जिस लेवल को अचीव करने के बाद में यहाँ पर इसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहे थे, लेकिन अब वही ब्रेक होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो 100 रुपीज़ का जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो मंडे के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। अगर 100 रुपीज़ का सपोर्ट मंडे के दिन ब्रेक होता है तो आपको इसके अंदर अलर्ट होकर चलना है। जी हाँ दोस्तों, अलर्ट होकर अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर अपने रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर आज आपको लगभग 4.15 यानी कि 4.25% तक की शानदार तेजी देखने को मिल चुकी है। साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्री ने आज के दिन अपने ऑल टाइम हाई को भी अचीव कर लिया है। बात करें कि रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से क्या बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है, तो 3 ब्रेकिंग न्यूज़ यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से निकल कर आई है, जिसमें सबसे पहली न्यूज़, रिलायंस इंडस्ट्री एक्वायर्स 2.28 करोड़ शेयर्स ऑफ स्ट्रेन लाइफ साइंस फॉर 393 करोड़ रुपीज़। जी हां दोस्तों, यहां पर स्ट्रेन लाइफ साइंस के कंपनी ने यहां पर 2,28,00,000 शेयर्स को एक्वायर कर लिया है 393 करोड़ रुपये में। कंप्लीट न्यूज़ भी आप यहां पर देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड दैट इट हैज़ एक्वायर्ड स्टेक इन स्ट्रेन लाइफ साइंस फॉर 393 करोड़। रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड अ होली ओन सब्सिडरी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड 2,28,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ स्ट्रेन लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ कैश कंसोलिडेशन ऑफ 393 करोड़ ओनली। साथ ही साथ एक और जो बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आई है, मुकेश अंबानी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट 75,000 करोड़ इन जामनगर फॉर ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से जो हमें यहां पर AGM के अंदर भी आउटकम्स देखने को मिले थे, अब उसी आउटकम्स को यहां पर कंपनी पूरी तरीके से अडॉप्ट करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री अब 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है जामनगर के अंदर ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर। तो अल्टीमेटली टाटा पावर को यहाँ पर कंपटीशन मिलने वाली है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी टू स्पीक एट द सबमिट PM स्टार्टेड द अमृत महोत्सव ऑफ आज़ादी इंडिया विल अचीव द गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस क्लाइमेट चेंज फॉर द वर्ल्ड वी हैव टू मूव फास्ट टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। साथ ही साथ बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से एक और न्यूज़ यहां पर निकल कर आई है, जिसमें रिलायंस का जो एम है यानी कि जो विज़न है वो है 100 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करना आने वाले 2030 तक, यानी कि 2030 तक कंपनी का जो विज़न है, जो कंपनी का एम है, लक्ष्य है, वो है 100 गीगावाट यानी कि 100 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना। तो कितना टारगेट कंपनी अचीव कर पाती है ये तो सब फ्यूचर की बात है, लेकिन अल्टीमेटली इन्हीं 3 बड़ी न्यूज़ का इम्पैक्ट आज के दिन आपको रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स के अंदर देखने को मिल चुका है। रिलायंस इंडस्ट्री का कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर नंबर 1 पर ये कंपनी मानी जाती है। साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 15,00,000 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर चुका है। तो यदि आपने रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप अपनी पोजिशंस को बनाए रखिएगा, क्योंकि ये शेयर्स आपको आने वाले टाइम में 5,000 रुपये पर भी ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में, जिसने यहाँ पर अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1:2 के रेशो का स्प्लिट अनाउंस किया है। डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3rd of September यानी कि 3 सितंबर 2021 यानी कि आज ही के दिन ये न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें आप देख सकते हैं सब डिवीज़न ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच इंटू 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5। तो यहाँ पर कंपनी 1:2 के रेशो का स्प्लिट देने जा रही है। मैं यहाँ पर आपको कंपनी का नाम भी बता देता हूँ, कंपनी का नाम है स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड ने पिछले 1 साल के अंदर 309% तक के शानदार मल्टीवेगर रिटर्न्स यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। साथ ही साथ अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स भी बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं, यानी कि जून क्वार्टर के रिजल्ट को अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू के अंदर लगभग 463% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर नेट इनकम की बात करें तो 234% की ग्रोथ यहां पर हमें देखने को मिल रही है। अल्टीमेटली अगर स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर सिर्फ 2905 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली ये कंपनी आपको आने वाले फ्यूचर में भी मल्टीबेगर रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। साथ ही साथ अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी के रिजर्व कंटिन्यूसली बेसिस पर
ग्रो हो रहे हैं और साथ ही साथ कंपनी की जो बोरिंग्स है उसे यहाँ पर कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पर रिड्यूस कर रही है। इसी के साथ अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की भी बात करें तो प्रमोटर्स का स्टेक यहाँ पर 62% का, FII का 0.84% का, DII 0.44% का और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का लगभग 35.96% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।